अच्छा ये मैं यहाँ पर अच्छी तरह से प्योरी कर रही हूँ उसको, बिल्कुल स्मूथ कर लेंगे। देखिए बहुत ही प्यारा कलर आया, जो कि आमलोट का या परसिमोन का होता है कलर वही है, लेकिन यहाँ पर आके लाइट हो जाएगा। तो अब मैं डालूंगी जो मैंने आपको कलर बताया, रियल ऑरेंज कलर मुझे नहीं मिला, अगर मिलता है तो ऑरेंज कलर इसमें जस्ट फ्यू ड्रॉप्स इसमें डाल दीजिए, नहीं तो मैं इस लाल रंग से ही काम चलाऊंगी और थोड़ा सा कलर इसमें ऐड करूंगी। अच्छा जी, जिन लोगों की कॉल नहीं मिल रही है तो वो मुझे भेजें बड़े मजेदार से SMS, कुछ भी पूछना चाहते हैं। देखें अभी मैंने कई SMS का जवाब दिया है, कोई फरमाइश करना चाहते हैं, कुछ भी कहना चाहते हैं, अपने दिल की कोई बात चुपके से कहना चाहते हैं तो वो भी लिख डालें। ये देखें जो मैंने ब्लेंड किया था, थोड़ा थोड़ा कलर उछल के आ गया, जैसे मशीन में होता है अभी जब ब्लेड उसका चलता है। तो अब ये मैं इसमें डाल रही हूँ, अब जितना भी कलर आ जाए, मैं कलर और नहीं ऐड करना चाहती हूँ, क्योंकि जाहिर है आर्टिफिशियल कलर है, फ्रूट का अपना कलर आ जाए तो क्या ही बात है, लेकिन क्योंकि ये कलर जो है उसमें जाके क्रीम में तो बहुत लाइट हो गया, तो सिर्फ थोड़ा सा कलर ऐड करने के लिए ही मैंने इसमें आर्टिफिशियल कलर को ऐड किया है, अदरवाइज मैं बिल्कुल नहीं फेवर करती हूँ। चलिए जी, ये सारा मिक्सचर जो आपके सामने ही ब्लेंड किया था मैंने, ये भी आ गया। शुगर अभी टेस्ट कर लेंगे, तो अगर जानी होगी तो मैं डाल दूंगी, और डाल ही दे तो अच्छा है, ऐसे तो आइसक्रीम मीठी ही अच्छी लगती है। आइसक्रीम में अगर मिठास प्रॉपर नहीं होगी तो आइसक्रीम का टेस्ट निकल के नहीं आएगा, तो आइसक्रीम में उतनी मिठास तो होनी ही चाहिए जितनी के आइसक्रीम मीठी होती है, और आइसक्रीम बहुत अच्छी मीठी होती है। कितनी सिंपल आइसक्रीम है, ना इसमें कंडेंस्ड मिल्क की ज़रूरत पड़ी, ना ही जेलेटिन डालने की ज़रूरत पड़ी। जब तक आइसक्रीम का जो मिक्सचर तैयार हुआ है उसका टेक्सचर फ्लफी नहीं होगा, आपकी आइसक्रीम कभी अच्छी नहीं बनेगी। देखें कितना एयरी, कितना फ्लफी है, ये देखें। जब तक इसमें एयर नहीं होगी आइसक्रीम कभी भी अच्छी नहीं बन सकती, और अगर कोई दिखाता है कि उसकी आइसक्रीम बहुत अच्छी है, बड़े आराम से स्कूप हो गई है, सब हो गई, तो वो बाजार की आइसक्रीम है। मैं बिल्कुल खुल्लम खुल्ला बोलती हूँ ये बात, क्योंकि सच्चा काम करती हूँ, सच्ची बातें करती हूँ, सच्चा सिखाती हूँ, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा जी, मैं आइसक्रीम निकालूंगी जो मैंने बना के रखी है, और ये मैंने भाई कल बनाई थी रात में, क्योंकि मैं आपसे वादा कर गई थी, ऐसे तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, बट मैंने काम कर लिया, तो हो सकता है थोड़ी 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 ट्रांसपोर्टेशन में लाने में जरा सी सॉफ्ट हो गई थी, बट मैंने इसको रखा था लाके इमीडिएटली मैंने इसको फ्रीजर में रख दिया था। तो देखें ये जो आइसक्रीम है ये अभी थोड़ी सी हार्ड है, लेकिन थोड़ी थोड़ी सॉफ्ट भी है, देखें किस तरह से स्कूप हो रही है आइसक्रीम, ठीक है। लेकिन सेंट अच्छा, जब आप आइसक्रीम निकालेंगे तो आपकी आइसक्रीम में ये सॉफ्टनेस होनी चाहिए, आप उसका टेक्सचर देखें, एग्जैक्टली ये आएगा जैसे इस आइसक्रीम को आपने मशीन में बनाया है, ठीक है। तो ये आइसक्रीम अब आप क्या करेंगे, मेरा बॉक्स किधर है जी, इधर है। अच्छा भाई, इसकी शक्ल देख ली ना आप लोगों ने, कितनी फ्लफी है ये। अब क्या करेंगे, जब आप इसको रखेंगे फॉइल लगाएंगे, फॉइल लगा के रखें, इसमें क्या होगा, ये इसमें क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे और आपकी आइसक्रीम जो है वो ज्यादा बेहतर बनेगी, ठीक है। मैंने तो जरा बड़ा लगा दिया अपने घर में अपने हिसाब से, अपने उसको देख कर, तो आप इसमें फॉइल लगाएंगे, ठीक है। और नॉन आइस्टिकल आइसक्रीम बनाने के लिए बहुत ही प्यारी टिप दी है मैंने आपको कि आप इसको इस तरह से लपेट दीजिए। अच्छा, इसको तकरीबन 4-5 घंटे के बाद आप निकाल लिएगा। मैं आपको दिखा देती हूँ कि सबसे पहली प्रेजेंटेशन जो मैं दे रही हूँ ये मेरी आइसक्रीम की ही प्रेजेंटेशन है। अच्छा, मेरे पास दो टाइप के स्कूप्स हैं जो कि आवाज़ आखिर में ख़त्म हो जाती है बिल्कुल, दोनों ही कमर्शियली यूज भी होते हैं, और आप इसको घर में भी कर सकते हैं, घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये टू टाइप्स के स्कूप्स हैं मेरे पास, तो जिससे चाहे आप कर लें। एंड आई थिंक कि मैं इसको इस्तेमाल करूंगी जो कि मार्केट में होता है, मतलब दुकानों में होता है, और इतना छोटा स्कूप, उनका स्कूप ऐसे छोटा होता है, मैं आपको बताऊं, ठीक है जी। अच्छा, एक में आप वैसे तो वो तो पूरा पोछा लगा के बिल्कुल लेवल कर देते हैं तब देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, और प्याले में लूंगी पानी। और इसको मैं पूरे एक प्रेजेंटेशन तो मैं दे ही दूं, क्योंकि काम जितना है उस हिसाब से। तो ऐसे मैं आपको ब्राउनी क्रम्ब जो है उसके साथ भी दे रही थी, बट देखें अभी डिपेंड्स ऑन टाइम कि टाइम हमारे पास कितना है। अच्छा जी, आ जाओ भाई, आ जाओ। ओके, मैंने इसको सर्व किया है, जो हमारी क्रश चिलीज होती हैं उसको मैंने स्प्रिंकल किया है। अगर चाहें आप तो थोड़ी सी
जिंदगी में थोड़ी चेंज लेके आइए चीजों में। इसमें थोड़ी सी रेड चिली, आधा चाय का चमचा रेड चिली अगर आप इसमें डालेंगे आइसक्रीम में, तो आप यकीन जाने आप बहुत मजा लेंगे, बहुत मजा लेंगे। ये आपको बता रही हूँ, आपने कभी नहीं खाई होगी, बट मेरे कहने पर आप ही करके देखें, नहीं तो एक बोल आप बनाइएगा इस तरह का और फिर खाइएगा, ठीक है। वाइंड अप चलें जी, छुट्टी का टाइम आ चुका है और रात कुकिंग में ये बहुत मजे की आइसक्रीम है, मैं अभी आपको बता रही हूँ। और इंशाल्लाह आपसे मिलने वाली हूँ कल, गले का हाल कुछ भी हो पर इंशाल्लाह अज़ीज़ आपसे मैं कल मिल रही हूँ। बहुत मजे के SMS भेजिएगा कल, इंशाल्लाह आपके SMS भी पढ़ूंगी और ईमेल्स भी पढ़ने का पूरा इरादा रखती हूँ। तो इंशाल्लाह आपसे मिलने वाली हूँ कल बहुत ही प्यारी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।